नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रक्षा गुराटे और आप देख रहे हैं i4U न्यूज़। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के दो अहम शहरों में दो अहम नेताओं ने जनसभाएं की। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जनसभा की, तो वहीं मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनसभा की। दोनों नेताओं ने अपने विरोधियों को आड़े हाथों लिया, लेकिन दोनों बड़े नेताओं ने एक ही पार्टी को अपना निशाना बनाया। राज ठाकरे ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए हमला किया, तो वहीं फडणवीस ने शिवसेना की आलोचना की। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में बूस्टर डोज की भव्य बैठक की। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से मुंबई में पोल खोल यात्रा कर रही है और इस यात्रा के एक हिस्से के रूप में देवेंद्र फडणवीस की एक बड़ी बैठक कल मुंबई के सोमैया मैदान में आयोजित की गई। तो वहीं राज ठाकरे ने शरद पवार पर निशाना साधते कहा कि आप महाराष्ट्र में जातिगत मतभेद पैदा कर रहे हैं, उससे और भी समस्याएं पैदा हो रही है। ऐसे में कल हुई इस अहम जनसभा के बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाले मनपा चुनाव में मनसे और भाजपा एक साथ आ सकती है। तो ये थी इस वक्त की कुछ खास खबर। आप देखते रहिए i4U न्यूज़।